रुख करते हैं कोयटा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ निसार अहमद बलोच के मुताबिक नवाबजादा जमाल खान रईसानी मेंबर नेशनल असेंबली ने कहा है कि अवामी नुमाइंदों और सरकारी इदारों को जवाब दिए बिना बलोचिस्तान मौशी और समाजी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने एट बलोचिस्तान और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फोरम के मेंबर से बातचीत करते हुए कही। उनका कहना था, मैं अवाम को जवाब दे हूँ, दीगर अवामी नुमाइंदे भी खुद को अवाम के सामने जवाब दे समझते हुए मालूमात तक रसाई के कानून पर अमल दरामद की राह में हायल रुकावटों को हटाने की जद्दोजहद का साथ देना चाहिए। इस मौके पर बहराम लहड़ी ने बलोचिस्तान की RTII लॉ बनाने और उस पर अमल दरामद के लिए 9 बरसों पर मुहित जद्दोजहद से आगाह किया। बहराम बलोच ने KPKS पंजाब सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन की कारगर्दगी और बलोचिस्तान में इंफॉर्मेशन कमीशन के क्याम में दरपेश रुकावटों के बारे में तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर इम्तियाज़ अहमद, मोहम्मद शुएब, इनायत सरपरा और नदीम मोहम्मद हसनी, मिस उजाला भी मौजूद थी।